बच्चों आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है हु इज गोइंग टू कोलकाता तो इसका आंसर क्या होगा कलकत्ता कौन गया था तो आंसर आपका होगा बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा दो नंबर क्वेश्चन है सी इज गोइंग देयर बाय वो किससे आप गए थे वो कलकत्ता किस तरह गए थे बस से गए थे एरोप्लेन से या ट्रेन से या ट्रक से तो वो गए थे एरोप्लेन से तो ये आंसर आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन है हु इज गोइंग विथ हर तो किसके साथ वो गए थे तो वो पिताजी के साथ गए थे करेक्ट आंसर होगा फादर इज राइट आंसर फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सी वाज गोइंग टू सी द वो क्या देखने गए थे तो वो साइंस सिटी देखने गए थे ये आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज प्राचीज फादर तो उसके फादर का क्या नाम था तो माल्या था तो ये आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या कह रहा है कि विच इज द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सन्स फैमिली यानी सौर परिवार के छोटे ग्रह कौन से हैं वो कह रहा है तो मरकरी क्या है वेरी छोटा है तो आंसर क्या होगा आपका ए नंबर सही होगा सेवन नंबर बात करें तो विच प्लानिट इज वेरी ब्राइट तो कौन सा ग्रह अधिक चमकीला है तो आंसर क्या होगा वेनस इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें वेयर डू वी लिव हम लोग कहाँ रहते हैं तो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं आंसर सी आपका सही होगा द ऑपोजिट ऑफ नियर इज यानी नियर का उल्टा शब्द क्या होता है तो फॉर होता है ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रेमिंग वर्ड ऑफ स्मॉल इज क्या होगा तो इसका आंसर होगा सी नंबर आपका सही होगा बच्चों देख रहे हैं ये आपका आंसर था हु वाज प्राचीज फादर तो आंसर क्या होगा मलाया होगा आपका हु इज गोविंग टू कोलकाता तो आंसर क्या होगा प्राची इसका होगा सी इज गोविंग देयर बाय वो किससे गया था तो एरोप्लेन से गया था तो आंसर इसका एन एरोप्लेन लिखेंगे और उसके बाद क्या है हु इज गोविंग विथ हर किसके साथ गया था तो फादर इसका लिखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाज गोविंग टू सी द उसे क्या देखा था साइंस सिटी लिखे थे इस तरह से बच्चों आप लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात कर रहे हैं तो विच प्लानिट इज वेरी ब्राइट तो कौन सा बहुत चमकीला ग्रह होता है तो विनस होता है और सेवन नंबर की बात करें विच इज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सन फैमिली तो सबसे छोटा कौन सा है मेंबर तो आंसर होगा मरकरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वेयर डू वी लिव हम लोग कहाँ रहते हैं तो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था इसे प्रैक्टिस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं द ऑपोजिट ऑफ नियर इज फार होगा इसका आंसर द रेमिंग वर्ड ऑफ स्मॉल इज ऑल अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा तो लाइक अवश्य कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका एग्ज़ाम कैसा रहा अवश्य बताएंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो